कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, COVID-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं, जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए, आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सातवीं कक्षा के सुलभ भर्ती का अभ्यास करेंगे। दूसरी इकाई का सातवां पाठ रहस्य, जो डॉक्टर हरिकृष्ण देवसरे ने लिखा है, यह हमने पढ़ा है। यह पाठ एक कहानी थी। इस कहानी में आर्यन और कनिष्का ने कैसे साहस दिखाकर डाकुओं का पता लगाया, यह बात हमने जान ली है। तो आओ, रहस्य इस पाठ के स्वाध्याय आज पूरे करते हैं। स्वयं अध्ययन इस शीर्षक के अंतर्गत हिंदी मराठी के समानार्थी मुहावरे और कहावतें सुनो, उनका द्विभाषी लघु कोश बनाओ, जैसे अदजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब उथल पाण्याला खळखळाट फार। तो आइए देखते हैं हिंदी मुहावरे और उनसे समानार्थी मराठी मुहावरे। आंख में धूल झोंकना, डोळ्यात धूल फेंकने, जान मुट्ठी में लेना, जीव मुठीत धरने, कमर कसना, कंबर कसने, आसमान फटना, आभाळ फाटणे, उंगलियों पर नचाना, बोटावर नाचविने, चिराग तले अंधेरा, दिव्याखाली अंधार, जहां चाहो वहां राह, इच्छा तिथे मार्ग, जैसा दाम वैसा काम, दाम तसे काम, हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथचा काकणाला आरसा कशाला, ढाक के तीन पात, पळसाला पाने तीनस, अधजल गगरी छलकत जाय, उथळ पाण्याला खळखळाट फार, चारो खाने चित करना, चारी मुंड्या चित करणे, मुंह से लार टपकना, तोंडाला पाणी सुटणे, बंदर क्या जाने अद्रक का स्वाद, गाढवाला गुळाची चव काय, भनक लगना कुनकुन लगने, करवट बदलना कुस बदलने, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाचता येईना अंगण वाकडे, कमर तोड़ना कंबरडे मोड़ने। बताओ तो सही, इस शीर्षक के अंतर्गत अंधश्रद्धा निर्मूलन संबंधी स्वयं किए हुए कार्य बताओ। यह कार्य घर में, विद्यालय में और परिवेश में आपने किस तरह किया है, इसकी जानकारी देनी है। घर में, मेरे घर में जब कोई कांच टूटता था, तब दादी कहती थी कि आज जरूर कुछ बुरा होगा, लेकिन मैंने उनको समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कांच एक वस्तु है और वह कभी भी गलती से गिरकर टूट सकता है। और फिर एक दिन सुबह उनके हाथ से कांच टूटा तो उनका मन घबरा गया, लेकिन उस दिन कुछ भी बुरा नहीं हुआ। उस दिन दादी समझ गई, सच में वे आज तक अंधश्रद्धा में जी रही थी। तो आओ आगे, विद्यालय में किस तरह काम किया है।
मेरा दोस्त रमान केवल परीक्षा के समय ही पढ़ाई करता था, क्योंकि वह मानता था कि भगवान उसे परीक्षा में पास कर देंगे। वह हर साल परीक्षा में पास होने के लिए मन्नतें भी मांगता था। एक दिन मैंने उसे समझाया कि भगवान पर श्रद्धा रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान तुम्हें परीक्षा में पास कर देंगे, यह अंधश्रद्धा रखना सही नहीं है। भगवान केवल मार्ग दिखाएंगे और तुम्हें कड़ी मेहनत करके उस मार्ग से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। तुम्हारा लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होना है, तो उसके लिए तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी। मेरे दोस्त को मेरी बात समझ में आ गई। फिर हम दोनों मिलकर रोज एक साथ पढ़ाई करने लगे और दोनों परीक्षा में अच्छे अंकों से पास हो गए। परिवेश में हमारे सोसाइटी में एक युवक साधु जैसा भेष बनाकर रोज आता था और भगवान के नाम पर पैसे मांगता था। सब लोग भगवान के नाम पर उसे 10-20 रुपए देते थे। एक दिन मैंने उस साधु को सड़क किनारे एक दुकान के पास सिगरेट पीते देखा। तब मैं समझ गया कि यह हमारी सोसाइटी और अन्य घरों से भगवान के नाम पर पैसे मांगता है तथा उन पैसों से व्यसन करता है। यह बात मैंने घर पर बताई और फिर मेरे पापा ने यह बात सोसाइटी के सदस्यों को बताई। तब लोग समझ गए कि ये ऐसे पाखंडी लोग किस तरह हम जैसे लोगों को अंधश्रद्धा में डालकर हमसे पैसे मांगते हैं। एक दिन जब वह सोसाइटी में आया तो साधु को किसी ने पैसे नहीं दिए। सभी उससे कहने लगे, इतने हट्टे कट्टे हो, मेहनत करके खाओ, भगवान के नाम पर लोगों को ठगना बंद करो। उस दिन के बाद वह साधु फिर कभी हमारी सोसाइटी में नजर नहीं आया। देखो तो ये तीनों ही घर में, विद्यालय में और परिवेश में ये जो घटनाएं हमने यहाँ पढ़ी है, इन्हें आप अपने कॉपी में लिख लेना। विचार मंथन इस शीर्षक के अंतर्गत श्रद्धा और विज्ञान जीवन के दो पक्ष महान, इस सुवचन का हमें विस्तार करना है, तो आओ इसके बारे में कुछ लिखते हैं। यह सत्य है कि श्रद्धा और विज्ञान हमारे जीवन के दो महान व महत्वपूर्ण पक्ष है। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में अपने कर्मों के प्रति श्रद्धा भाव होना आवश्यक है। यदि व्यक्ति अपनी मंजिल पाने के लिए सही राह पर पूर्ण श्रद्धा अर्थात विश्वास के साथ आगे बढ़ता जाता है, तो उसकी सफलता निश्चित है। हालांकि इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि किसी भी मंजिल को प्राप्त करना आसान नहीं होता है। उसके लिए व्यक्ति को बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विज्ञान की सहायता से हम अपनी राह की इन मुश्किलों को काफी हद तक सुलझा सकते हैं। अतः यदि व्यक्ति अपने जीवन में श्रद्धा के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। मैंने समझा इस शीर्षक के अंतर्गत हमने जो कहानी पढ़ी है रहस्य, इस कहानी द्वारा हमने क्या समझा है, इस बात को हमें लिखना है, तो आओ देखते हैं। हर इंसान को अंधविश्वासों से दूर रहते हुए वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। हर एक बात के पीछे जरूर कोई ना कोई वैज्ञानिक तत्व छिपा होता है, उसे हमें ढूंढना चाहिए। किसी भी बात पर बिना सोचे विश्वास करना अंधविश्वास कहलाता है। अंधविश्वासों के कारण हमारा नुकसान ही होता है, इसीलिए हमें अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए सच्चाई का पता लगाने के लिए निडर होकर प्रयत्न करना चाहिए। वाचन जगत से
इस शीर्षक के अंतर्गत टिप्पणी बनाने हेतु समाचार पत्र से बहादुरी के किस्से पढ़ो और संकलन करो। तो आओ एक किस्सा मैं आपको बताती हूँ, आप इसी तरह के और भी किस्से संकलित कर लेना। वीरता का सबसे बड़ा सम्मान भारत अवार्ड केरला के रहने वाले आदित्य को प्रदान किया जाएगा। आदित्य ने पर्यटकों से भरी एक बस में आग लग जाने पर बहादुरी दिखाते हुए उस बस के शीशे तोड़कर 40 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बचाई। आदित्य उस बस में सवार था और आग लगने के बाद बस का ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया था और यात्री धुआं भरने की वजह से चीख पुकार करने लगे थे। ऐसे में आदित्य ने सूझबूझ दिखाते हुए बस के शीशे को तोड़ दिया जिससे यात्री बाहर निकल पाए। शब्द वाटिका इस शीर्षक के अंतर्गत रहस्य इस पाठ में जो नए शब्द आए हैं उनके अर्थ देखते हैं। सन्नाटा यानी नीरव शांति, सरपट यानी तेज भागते हुए, कपोल कल्पना इसका मतलब है मन से गड़ी हुई बात, रहस्य यानी गुप्त या भेद की बात, सलाह मशविरा इसका मतलब है विचार विमर्श, बहस या चर्चा, इंतजार यानी प्रतीक्षा, अवसर इसका मतलब है मौका, खतरा यानी धोखा, बीचोबीच मध्य भाग में, लुढ़कना यानी लेटना, सावधानी यानी सजगता, छाया यानी परछाई, खतरनाक यानी भयानक, अफवाह यानी झूठी खबर, रहस्य इसका मतलब है भेद या गुप्त बात, क्रियाकलाप इसका अर्थ है काम या कर्म, राहजनी यानी रास्ते में लूटना, पेशा यानी धंधा, तलाश खोज, बहादुरी यानी वीरता या शूरता, आतंक यानी दहशत या भय, महामहिम इसका मतलब है जिसकी महिमा अधिक हो, पुरस्कार यानी इनाम या उपहार। आओ इस पाठ में आए मुहावरे देखते हैं, मुहावरों का अर्थ लिखते हैं, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करते हैं। हाथ फैलाए न सूझना इसका मतलब है बहुत ही अंधेरा होना। वाक्य अचानक ही बिजली जाने से सबको हाथ फैलाए न सूझता था। डेरा डालना निवास करना, हमारे घर में चिड़िया ने घोंसला बनाकर डेरा डाला है। मन में ठान लेना निश्चय कर लेना, मैंने हमेशा सच बोलने की मन में ठान ली है। बुरा हाल होना दुर्दशा होना, धुआंधार बारिश के कारण सभी का बुरा हाल हुआ है। खाट पकड़ना बीमार होना, बारिश में खूब मौज मस्ती करने के बाद चिंटू ने खाट पकड़ ली। करवटें बदलना बेचैन रहना, कल मामा जी के गांव जाना था इसलिए मैं रात भर करवटें बदलता रहा। कमर कसना दृढ़ संकल्प करना, हमें मंजिल पाने के लिए कमर कसनी होगी। तारीफ के पुल बांधना प्रशंसा करना, स्वार्थी व्यक्ति अपना काम करवाने के लिए हमेशा दूसरों के तारीफ के पुल बांधते हैं। दबे पाँव चलना चुपचाप आना, बिल्ली रसोई घर में दबे पाँव चली आई थी। आंखों से आग बरसना अत्यधिक क्रोधित होना, चोर के द्वारा सारी बातें जान लेते समय थानेदार की आंखों से आग बरसने लगी। आंखें खुली की खुली रहना चकित रह जाना,
जन्मदिन पर पिताजी ने मुझे साइकिल भेंट दी। उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना। किसान खेती करते समय खून पसीना एक करते हैं। हथियार डालना, आत्मसमर्पण करना। घमासान लड़ाई के बाद डाकुओं ने हथियार डाल लिए। सुनो तो जरा, इस शीर्षक के अंतर्गत पाठ में आए हुए मूल्यों को सुनो, तालिका बनाओ और सुनाओ। तो देखो, यह जो रहस्य पाठ हमने पढ़ा है उसमें कुछ मूल्य सूचित है, तो आओ ये मूल्य कौन से हैं यह हम पढ़ते हैं। पहला मूल्य, अंधश्रद्धा से दूर रहना। दूसरा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना। तीसरा, सच्चाई का पता लगाना। चौथा, निडर होकर बहादुरी से सही मार्ग पर चलना। पांचवा, गलत कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाना। तो ये सारे मूल्य हमने इस पाठ से पढ़े हैं। सदैव ध्यान में रखो, इस शीर्षक के अंतर्गत बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यह बात हमें बताई गई है। सच है बच्चों, हमेशा बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि अच्छा बोलना, दूसरों की मदद करना और माता पिता तथा बड़ों का आदर सम्मान करना ही संस्कार है। हमें हर उस व्यक्ति से संस्कार मिलते हैं जो हमसे बड़ा हो, चाहे वह दादा दादी, माता पिता, भाई बहन या अन्य सभी। हमें सही रास्ता दिखाते हैं और हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और दी गई सीख को अपनाना चाहिए। हमारे बड़े हमेशा हमारा भला चाहते हैं। उन्हें जिंदगी का हमसे ज्यादा अनुभव होता है और इसलिए वे हमें सही सलाह दे सकते हैं। उनकी सलाह का पालन करके हम जिंदगी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, उनकी कही बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए और उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए। प्रश्न पहला, जोड़िया मिलाओ। तो जोड़िया लगाने के लिए हमें अस्तंभ और ब स्तंभ दिए हैं। अस्तंभ में फोटो की दुकान, भूत भूत, हवेली यह दिए हैं, तो ब स्तंभ में कपोल कल्पना, कह कहों की आवाज, खतरनाक काम और नारायणपुर यह दिया है। तो देखो, ध्यान से याद करो। और फोटो की दुकान कहाँ थी याद आया? भूत भूत क्या है याद आया? हवेली, हवेली में क्या आवाज आ रही थी? कह कहों की आवाज आ रही थी। तो आओ ये जोड़ियां हम लगा देते हैं। देखो तो, फोटो की दुकान नारायणपुर, भूत भूत कपोल कल्पना, हवेली कह कहों की आवाज। दूसरा प्रश्न, आर्यन और कनिष्का द्वारा देखी हुई हवेली का वर्णन अपने शब्दों में लिखो। तो आओ लिखते हैं। आर्यन और कनिष्का जब भूतों का पता लगाने हवेली पहुंचे, वे दबे पांव हवेली में चले गए। बीचों बीच एक बड़ा कमरा था। उसका दरवाजा अंदर से बंद था, खिड़कियां नीचे से बंद थी लेकिन ऊपर से खुली थी। उस खिड़की से उन्होंने देखा कि वहां हट्टे कट्टे, मोटे तगड़े और बड़ी बड़ी मूंछों वाले लोग पगड़ी बांधे हुए बैठे थे। उनके साथ कमीज और पैंट पहने हुए भी कुछ लोग थे। उन लोगों की आंखें लाल लाल थी, मानो उनकी आंखों में आग बरस रही थी। सबके चेहरे डरावने थे।
और उस समय वे खाना खाने में मस्त थे। कोई हड्डी चबा रहा था तो कोई रोटियां तोड़ तोड़ कर मुंह में डाल रहा था। उनके गले में कारतूसों की पेटी लटक रही थी, बंदूकें और तलवारें भी रखी थी। कुछ लोग लुढ़के हुए पड़े थे। तीसरा प्रश्न, कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ। कनिष्का और आर्यन ने गांव वालों के मन से भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास को दूर करने की ठानी और इतनी छोटी सी उम्र में बड़े ही बहादुरी से अंधेरी रात में हवेली जाकर वहां के रहस्य का पता लगाया। उन्होंने हवेली में रहने वाले डाकुओं के फोटो निकाल कर पुलिस को उनके बारे में बताया और कई वर्षों से चोरी डकैती करके उत्पात मचाने वाले उन डाकुओं को पकड़वाने में पुलिस की मदद भी की। इन दोनों के इस कार्य से सभी गांव वाले डाकुओं के आतंक से मुक्त हो गए थे। इसलिए कनिष्का और आर्यन को उनकी बहादुरी के लिए वीरता पुरस्कार घोषित किया गया। चौथा प्रश्न, इस कहानी की किसी घटना को संवाद रूप में प्रस्तुत करो। देखो बच्चों, इस कहानी में मामा और कनिष्का और आर्यन के बीच में जो कुछ बातें हुई थी उनको ही हम संवाद रूप में लिखते हैं। कनिष्का कहती है, पिताजी आप कहते हैं कि भूतों के पैर उल्टे होते हैं, उनकी छाया नहीं होती और हम उनके फोटो नहीं खींच सकते, लेकिन कल रात हम भूतों के डेरे पर गए थे, वहां कुछ फोटो लिए हैं, जरा देखिए तो। पिताजी परेशान हो उठे, उन्हें ऐसा खतरनाक काम पसंद न था। फोटो देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बोले, तो क्या भूत इंसानों जैसे होते हैं? तभी आर्यन बोला, इंसानों जैसे नहीं, इंसान ही भूत है। देखिए ना, इनके पैर सीधे हैं, इनकी छाया भी है और इनका फोटो भी आ गया। असल में भूत भूत अफवाह है, कोई हवेली की तरफ न जाए और इन लोगों का रहस्य न खुले, इसीलिए इन्होंने भूत होने की अफवाह फैलाई है। यदि लोगों का आना जाना रहता तो ये लोग अपना क्रियाकलाप कैसे चलाते? फिर कुछ रुक कर क्या बोला, आप मेरे साथ थाने चलेंगे? मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है। आगे का स्वाध्याय देखते हैं। भाषा की ओर, इस शीर्षक के अंतर्गत चित्र के आधार पर सभी कारकों का प्रयोग करके वाक्य लिखो। तो पहले हम चित्र देखते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से चित्र देखना और इसके आधार पर तुम क्या-क्या वाक्य बना सकते हो, सोच लेना जरा। सोच लिया? तो आओ आगे देखते हैं। वाक्य लिखने से पहले हम कारक के प्रकार जान लेते हैं। व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध जिस रूप से जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। कारक यह इंगित करता है कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का काम क्या है। देखो तो कारक के 8 प्रकार हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो कर्ता के विभक्ति चिन्ह है ने, उसका अर्थ है काम करने वाला। कर्म के विभक्ति चिन्ह है को, जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है।
परण के विभक्ति चिन्ह है से के साथ के द्वारा जिसके द्वारा कर्ता का काम करता है। संप्रदान के चिन्ह है के लिए को जिसके लिए क्रिया की जाए। अपादान से अलग जिससे अलगाव हो। संबंध का की के रा री री ये अन्य पदों से संबंध जोड़ता है। अधिकरण में पर क्रिया का आधार। संबोधन हे अरे ओ किसी को संबोधित करना बुलाना या पुकारना। तो ये जो विभक्ति चिन्ह है यही कारक है और इनका हमें वाक्य में उपयोग करना है। तो आओ हर एक कारक का हम वाक्य में उपयोग करते हैं। आओ वाक्य बनाने से पहले एक बार चित्र को ध्यान से देख लेते हैं। क्या क्या दिखाई दे रहा है चित्र में? मछियारा जाल फेंक रहा है, लड़की मछलियों को खाना दे रही है, औरत नारियल इकट्ठे कर रही है, एक आदमी पेड़ पर चढ़कर नारियल निकाल रहा है, दूसरे पेड़ पर भी आदमी चढ़ रहा है, लड़का अपने घर की ओर जा रहा है, और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है। ये जो औरत है वह दूसरी औरत को बुला रही है। तो और भी कुछ वाक्य इससे बनते हैं। तो आओ हम कारक का उपयोग करके कुछ वाक्य बनाते हैं इस चित्र के आधार पर। पहला वाक्य, मछुआरे ने जाल फेंका। दूसरा वाक्य, लड़के ने मछलियों को चारा डाला। तीसरा वाक्य, आदमी ने पेड़ से नारियल तोड़े। चौथा वाक्य, लड़का घर के लिए निकल पड़ा। पांचवा वाक्य, एक आदमी नाव से जा रहा है। छठा वाक्य, पेड़ पर चढ़ने वाले आदमी उस औरत के जान पहचान वाले हैं। सातवां वाक्य, औरत के हाथ में नारियल है। आठवां वाक्य, अरे बहन तुम इधर आओ। तो इस तरह हमने कारक का उपयोग करके यह वाक्य बनाए हैं। आप भी जरूर इससे अलग वाक्य बना लेना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने रहस्य इस पाठ के स्वाध्याय पूरे किए हैं। हमने देखा इस पाठ में आर्यन और कनिष्का ने किस तरह बहादुरी दिखाई और डाकुओं को पकड़वा दिया। और भी कुछ हमने इस पाठ से सीखा है, जैसे अंधश्रद्धा से दूर रहना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना, सच्चाई का पता लगाना, निडर होकर बहादुरी से सही मार्ग पर चलना, गलत कार्य करने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाना। तो ये सारी सीखें जो इस पाठ से मिली है, जरूर तुम इसे अपनाना। और आज हमारा यह पाठ पूरा हुआ। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।